देखो पूरा कम्प्लीटली रोड को कवर कर चुके हैं उड़द के दाल से। सीन कुछ ऐसा है कि आज जो है हम लोग काफ़ी दिनों बाद जो है मोटो ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, और ये जो वीडियो है इसको आप डेली ऑब्जर्वेशन या डेली ब्लॉगिंग के तौर पे ले सकते हैं। वैसे तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग आ रही है, बीच में हम कंटिन्यू ब्लॉग कर रहे थे लेकिन बीच में कुछ रीज़न के कारण जो है ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आज कोशिश की जा रही है कि हम अपने जो गांव है उसके आसपास में छोटा मोटा 5-6 मिनट का वीडियो तैयार करने की। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर और थोड़ा सा गांव के आसपास विजिट करेंगे, और काफ़ी दिन हो गया मतलब गांव के आसपास मैंने विजिट वगैरह नहीं किया है, और काफ़ी दिनों बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है फाइनली। मतलब बहुत अरसे बाद, हमने जब इस ईयर का स्टार्ट किया था और इस ईयर को कंप्लीट करते करते हमारा जो है 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, उस टाइम हमने कहा था कि इस साल मतलब 2020 में काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोरोना के नाम से कुछ लॉकडाउन के कारण कुछ जो है शटडाउन होते रहे बीच बीच में, और सिचुएशन ऐसा था, पैंडेमिक सिचुएशन है तो इसमें घर से बाहर जाना भी उतना सही नहीं था। तो हमने मोटो ब्लॉगिंग जो है बंद कर दिए थे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ आते थे, और हमने इस साल उतना ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं किया है। तो फाइनली जो है इस साल हम अपना जो है मोटो ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे भी आपको मोटो ब्लॉगिंग ऐसे देखते रहेंगे। तो हम लोग आ गए हैं हमारे गांव के जो नदी चौक है वहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट जो है काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, और इससे पहले जो था यहाँ का मार्केट चंद दुकानें बस थे, एक दो दुकानें, एक तो था पान का शॉप और दूसरा जो था होटल और एक दो गैरेजेस थे, बट अब जो है काफ़ी सारे इस चौक पे दुकान हो गए हैं। और इधर का नज़ारा देखो, मतलब खेत हरियाली और ऊपर का जो क्लाउडी सीन है वो तो एक नंबर है, मतलब उसके तो बात ही अलग है भाई। और अगर अच्छे कैमरे लेके उसको अगर कैद करो ना तो आपके लिए एक अच्छा सा वॉलपेपर हो जाएगा। अभी हम लोग जो है हमारे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे एक और गांव आ चुका है, इस गांव का नाम है भैंसा दरहा। तो हमारे साइड का जो गांव का नाम है वो काफ़ी अजीब अजीब है, और इस साइड देखो बच्चे लोग मस्त, मौसम यहाँ पे आने के बाद एकदम मस्त हो गया है, बदली छा गई है, और सामने तरफ देखो मतलब हल्का हल्का धूप है, और इस साइड आपको ट्रैक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे बजाय कि कार वगैरह बड़ी गाड़ी वगैरह छोड़ के, ट्रैक्टर ज़्यादा नज़र आएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे रोड पे बेफिक्र घूम रहे हैं, नज़ारा देखो यार क्या मस्त है। गांव जैसे ही यहाँ पे घर देखो क्या ज़बरदस्त है, मतलब इस घर से निकले और खेत सामने है, अगर ऐसे ही आपका घर और खेत आसपास हो ना तो मज़ा आ जाए, मतलब जैसे ही घर से निकलो आपका खेत आपके सामने है, एक नंबर। और अगर आप गांव में रहते हैं, अगर खेत जाते होंगे ना, मैं बचपन में काफ़ी खेत गया हूँ, और खेत जाते समय बासी बोलते हैं, मतलब जो चावल को भिगा के वो बनाते हैं और उसके साथ चटनी, नमक और मिर्ची का चटनी या आम का अचार वगैरह लेके जाओ, और खेत में खाने का जो मज़ा है ना, अगर वो चीज़ आप 5-स्टार होटल में भी फील नहीं करते जो आप बासी और चटनी खेत में खाते हैं, उसका तो मज़ा ही अलग है, टेस्ट एक नंबर आता है, मतलब अलग ही है, उसको ऐसे बयान नहीं कर सकते हैं। अगर आप गांव कभी आना जाना होता है, सिटी में रहते हैं तो एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना कि खेत में जाके बासी खाने का, एक नंबर टेस्ट होता है भाई।
और इधर का नज़ारा देखो क्या मस्त है। और धूप भी कर रहा है तो एकदम ज़्यादा टैंग वाला धूप नहीं है, मतलब आपको धूप चुभने लगे, लेकिन जो धूप है वो काफ़ी मीठी मीठी सी है, काफ़ी अच्छा धूप लग रहा है ये वाला। लेकिन बाइक में चल रहे हैं तब तक ठीक है ये धूप, लेकिन जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो यही धूप चुभने लगेगा। और इधर का नज़ारा देखो, मतलब खेत जो है कम होते जा रहे हैं और अब जो है पेड़ पौधे और खेत इधर देखो नहीं है, मतलब मैदान टाइप का है इधर, तो इधर अब जो है खेत जो है काफ़ी कम होते जा रहे हैं और पेड़ पौधे जो है ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। अभी हम लोग एक और गांव में एंटर करने वाले हैं जिसका नाम है केंदुबहारा, और इस साइड आपको ऐसे ही ट्रैक्टर वगैरह देखने को मिलेंगे, वजह है गाड़ी के। और देखो मस्त नज़ारा है यहाँ पे, गाइस देख सकते हैं रोड के बीचों बीच जो है इस तरीके से रखे हुए हैं। तो ये जो है उड़द का है, मतलब उड़द जो दाल होता है उसको झड़ाने के लिए, तो उसको रोड पे बिछा देते हैं, उसके कारण जो गाड़ी वाड़ी चलते हैं उसके ऊपर से चलते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़ता, बस झाड़ी को जो है वहाँ से हटाते हैं फिर बीज को जो है समेट लेते हैं। तो ये जनरली गांव का ट्रिक है जहाँ पे लोग एक्स्ट्रा मेहनत करने से बच जाते हैं, और ये चीज़ जो है आपको लगातार देखने को मिलेंगे अभी कुछ और दिनों तक, क्योंकि अभी उड़द का जो है फसल चल रहा है और उसकी जो है कटाई हो रही है। और हम लोग गांव में प्रवेश कर चुके हैं, ये है केंदुबहारा। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे घर के सामने सामने जो है उड़द को बिछा दिए हुए हैं और हम लोग उसके ऊपर से गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो झाड़ है उससे उड़द का जो दाल है वो झड़ जाएगा और नीचे रोड पे चला जाएगा, तो इससे जो लोग हैं उनके जो छड़ाई का पैसा होता है वो कम्प्लीटली बच जाता है। देख सकते हैं लगभग पूरा ऐसे ही आपको गांव में मिलेंगे जहां पे फसल वगैरह होते हैं। इस साइड देखो, देखो पूरा कम्प्लीटली रोड को कवर कर चुके हैं उड़द के दाल से, और उसके ऊपर से हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं। और देख सकते हैं ये है उड़द का। गाइस अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच कहीं रुके हुए हैं और करीब जो 10 मिनट हो गया है यहाँ पे रुके, और ये जो सड़क दिख रही है इस 10 मिनट में कोई भी गाड़ी या कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं गुजरा है, और काफ़ी शांत माहौल है। मतलब जो भी आवाज़ें आ रही है वो चिड़ियों का आवाज़ आ रही है, हवाओं का आवाज़ आ रही है, और उसको सुन के जो आनंद आ रहा है उसका अलग ही मज़ा है। तो गाइस धीरे धीरे करके हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच चुके हैं, और जो पक्की सड़क थी वो ख़त्म हो चुकी है और कच्ची सड़क यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे अगल बगल अगर आप नज़र डालते हो तो काफ़ी घना जंगल है, पेड़ भी काफ़ी घना हो चुका है जैसे ही हम लोग अंदर घुसे हैं। और आज का जो डे है वो काफ़ी बेहतरीन होने जा रहा है इस राइड के साथ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है हम लोग राइड कर रहे हैं। जो भी राइड होता था वो गांव के अगल बगल 5-6 किलोमीटर का राइड होता था, लेकिन आज थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच राइड हो रहा है, 30-35 किलोमीटर का राइड, तो काफ़ी बेहतरीन जो दिन है वो होने जा रहा है। और यहाँ पे ब्रिज देख सकते हैं, काफ़ी उबड़ खाबड़ है, ब्रिज के ऊपर मिट्टी डाल दिए हैं, और बड़े गाड़ी चलने के कारण जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो गया है। तो आज जो है ऑफ रोड का भी मज़ा ले रहे हैं, और नज़ारा तो बेहतरीन है। मतलब आज का डे जो है काफ़ी बेहतरीन होते जा रहा है, क्योंकि मुझे तो स्पेशली कहूँ नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आप मॉर्निंग से आप अगर नेचर के बीच पहुंच जाते हो तो आपका डे ऐसे ही बन जाता है। और अभी का कुछ समय हो रहा है 11:30 का, और हम लोग करीब 10 बजे करीब निकल चुके थे गांव से, तो डे तो बेहतरीन होने जा रहा है। तो गाइस यहां पे जंगल के बीचों बीच गांव है, पता नहीं इस गांव का नाम क्या है, लेकिन कुछ 10-12 घर ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और अच्छी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जंगल के बीचों बीच आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा गांव है, कुछ 10-12 ही घर होंगे। और यहाँ देखो
मस्त यहाँ पे सोलर पंप लगा हुआ है पानी के लिए, और वहाँ पे नाव आ रहे हैं मस्त। और देखते हैं गांव का नाम क्या है, तो देख सकते हैं ज़्यादा घर ही नहीं है यहाँ पे। जो भी घर है वो रोड के अगल बगल में ही घर है, और अंदर साइड कोई भी घर नहीं है। तो कुछ यहाँ पे 10-12 ही घर हैं, ज़्यादा घर नहीं है। तो देख सकते हैं क्या मस्त फूल वगैरह लगा के रखे हैं घर के सामने, बेहतरीन। और देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुके हैं, खंभे वम्बे लगे हुए हैं। सो गाइस, जंगल की कच्ची सड़क ख़त्म हो गई है और यहाँ पे पक्की सड़क शुरू हो गई है, और जो घने जंगल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पे आपको खेत खलियान जो है नज़र आने लगे हैं। लोग भी ज़्यादा अब रस्तों पे खेत खलियान पे नज़र आने लगे हैं। और गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद राइड हो रहा है और काफ़ी दिनों बाद जो है मोटो ब्लॉगिंग हो रही है। और मुझे तो ये जो ब्लॉगिंग है, ये जो मोटो ब्लॉगिंग है या आज का राइड है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद राइड हो रही है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आज का जो राइड था, उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में आपको गांव से रिलेटेड ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग और भी देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।